आज मैं आपको बता रही हूँ अम्ब्रेला कट स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग। ठीक है, इसको जो मैं ये आस्तीन बना रही हूँ इसको अम्ब्रेला कट भी बोलते हैं, बेल बॉटम भी बोलते हैं, अबाया स्टाइल भी कह सकते हैं हम इसको। ये शर्ट में जो मेरे पास कपड़ा था ये वही है, और अब मैं इसको मेजरमेंट करके बताती हूँ। सबसे पहले तो इसकी लंबाई देखेंगे हम। लंबाई इसकी मेरे पास आ रही है 20 इंच, और अब इसकी यहाँ से चौड़ाई जितनी भी आप रख सकते हैं ये भी आपकी चॉइस पे होता है। तो मैं यहाँ तैयार इसकी जो चौड़ाई रखूँगी वो मैं 8 इंच रखूँगी। इसके अंदर नापा ये जाता है कि जो कोनी होती है हमारी, कोनी तक की इसकी लेंथ होती है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसमें अम्ब्रेला कट देते हैं। तो कोनी तक की जो मेरी लंबाई आएगी वो तकरीबन आएगी 9 इंच। तो 9 इंच पर मैं यहाँ ऐसे निशान लगाऊँगी पहले, तो पहले तो मैं इसका अम्ब्रेला कट दूँगी। ये मैंने यहाँ निशान लगाया है 9 इंच पर। अब मैं इसकी चौड़ाई देखूंगी कितनी रखनी है मुझे, तो चौड़ाई रखूंगी मैं यहाँ पे 6 इंच। इसको यहाँ से पहले हम मिला देंगे इस तरह। उसके बाद जो सिंपल आस्तीन की कटिंग होती है वही कटिंग करनी होगी हमें। अब यहाँ की लेंथ से और यहाँ की लेंथ के अंदर जो हमें फर्क देना होता है सिर्फ 3 इंच का देना होता है, तो वही 3 इंच का मैं यहाँ से दूंगी। और फिर इस तरह यहाँ पे एक क्रॉस वाली लाइन डालूंगी, और फिर यहाँ से इसको ऐसे करके शेप दे दूंगी। यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। नीचे से कपड़ा बराबर कर रही हूँ मैं। यहाँ सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अभी हमारी बाया स्टाइल की कटिंग तैयार है, अब मैं इसको सीके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको नीचे से मोड़ेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे इसको हम, उसके बाद फिर ये साइड की सिलाई लगाएंगे इसमें। अभी देखिए 1 इंच के करीब मैं इसको मोड़ूंगी। दूसरी आस्तीन है, देखिए इस तरह नीचे से मोड़ने के बाद फिर हम इसको इस तरह पकड़ेंगे। इस तरह पकड़ने के बाद यहाँ से ये कपड़ा निकल रहा है, इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ से ये देखें इस तरह सिलाई लगाऊंगी मैं, जैसे शलवार के पैंचे में लगाई जाती है। यहाँ से हम अपनी शर्ट को रख के देखेंगे। चौक से निशान लगा लें या ऐसे कट रख के लगा लें। अब जी यहाँ से सिलाई लगानी, ये मैं सीधा रख के नहीं लगा सकती, इसको यहाँ पे लाने के बाद यहाँ थोड़ा टर्न देना होता है। अब देखिए यहाँ से ये राउंड आ रहा था मेरा, यहाँ से शेप देने के बाद इसको फिर मैं सीधा सी लूँगी। इसको लॉक कर लें, दूसरी आस्तीन है ये। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद अब जो यहाँ राउंड आ रहा था 9 इंच पे, जहाँ मेरा राउंड आ रहा था वहाँ पे मैं हल्का सा कट लगा दूँगी ताकि ये सीधा होने के बाद झोल ना आए। अब देखिए मेरी आस्तीनें तैयार हैं, अब मैं इसको कमीज़ में ज्वाइन कर दूँगी। देखो इसको कमीज़ के साथ ज्वाइन करने के लिए आस्तीन को मुझे सीधा रखना होगा। आस्तीन को मैंने सीधा कर लिया है, और ये शर्ट मेरी उल्टी है। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी, और आस्तीन में जो मैंने सेंटर में कट लगाया था ये वाला, इसको मैं शोल्डर की जो सिलाई है इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ लगाते वक्त कोई परेशानी ना हो, आराम से आप आस्तीन ज्वाइन कर लें।
ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिस जब हम आस्तीन अपनी ज्वाइन करते हैं तो आगे का मुंडा हमारा गहरा हुआ हुआ होता है, तो ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा आगे रखना पड़ता है। तो ये आगे वाला जो साइड है हमारा, ये जो आस्तीन की साइड की सिलाई होती है, ये आस्तीन की जो सिलाई होती है ये इसके ऊपर कट पे रखनी होती है हमें। इस कट पे रखी मैंने सिलाई, अब मैं इसको इस तरह से टर्न कर दूंगी बल देके। और ये शर्ट वाला साइड है मेरा, इसको भी मैं इस तरह बल कर दे दूंगी। अब यहाँ पे एक पिन लगा लें, अब देखिए मैं दूसरी आस्तीन को ज्वाइन कर रही हूँ। आस्तीन लगाते वक्त कमीज़ के साथ ज्वाइन करते हुए बस ये ख्याल किया करें कि आस्तीन जो है हमारी, इसका कपड़ा थोड़ा लूज़ होना चाहिए, और नीचे वाला जो है ये तो हमारे पास साइज़ होता ही है, अगर हम इसको खींच के लगाएंगे तो ये फिर हमारे पहनने के बाद अच्छी लुक नहीं देगी, तो इसलिए इसको थोड़ा लूज़ करके लगाएंगे हम कपड़े को, तो ये ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग से लगेगी। देखिए मेरी आस्तीन भी इसमें ज्वाइंट हो गई है और तैयार हो गई है।